रहमान रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तो प्यारे बच्चों, आज हम एडिशन करेंगे मैथ्स में। एडिशन कहते हैं इजाफा, जमा करना, एक तरीक़ेकार जिसमें आइटम ज़्यादा हो जाते हैं उन सब की गिनती करना जमा करना कहलाता है। काउंटिंग द टोटल नंबर इन द सेट। आप इसकी एग्जाम्पल देखें, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास दो सेब हैं, टू एप्पल्स, और हमें कहीं से तीन सेब और मिल जाते हैं, वन टू थ्री। तो अब टू और थ्री एप्पल्स मिलके कितने हो जाएंगे, टू प्लस थ्री इज इक्वल टू फाइव, तो ये हमारे पास टोटल फाइव हो गए। तो ये इसको एडिशन कहते हैं, यानी टू एप्पल्स प्लस थ्री मोर एप्पल्स इज इक्वल टू फाइव एप्पल्स। अब एडिशन जो है उसमें प्लस का सिंबल इस्तेमाल होता है, साइन। वन प्लस वन इज इक्वल टू टू, एक जमा एक दो के बराबर है, और दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को इकट्ठा करके नया टोटल बनाते हैं, ठीक है। और आप देख रहे हैं कि इसमें इक्वल का बराबर का निशान भी आता है, प्लस का भी। एडिशन को हम नंबर लाइन से भी कर सकते हैं कि दो से आगे हमने तीन काउंट किए, या फिर हम पिक्चर्स के साथ भी एडिशन कर सकते हैं कि दो जमा तीन पाँच हो गए हमारे पास। और दूसरे कुछ नाम भी हैं एडिशन के, सम, प्लस, इंक्रीज, और एडेंड कहते हैं, और सम कहते हैं टोटल को। आप हम ये एग्जांपल देखते हैं, 23 प्लस 16, तो हमेशा राइट साइड से स्टार्ट करें। तो आपको पता है कि हम टेंस और वंस हम पहले सीख चुके हैं, तो हम इसको टेंस और वंस में अरेंज कर देते हैं। फिर हम सिक्स से आगे तीन और ऐड करेंगे नंबर लाइन पे, तो ये नाइन पे आके रुक गया, तो हमने थ्री प्लस सिक्स नाइन कर लिया। फिर हम टेंस में से दो से आगे एक जमा करेंगे, तो ये नंबर लाइन पे तीन पे आ गया। तो हमारे पास जो 23 प्लस 16 इज इक्वल टू 39, तो नंबर लाइन से बहुत आसानी हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, अपने करैक्टर के अंदर इज्जत और एहतराम, रिस्पेक्ट, ऑनेस्टी, सच्चाई, इंटेग्रिटी, सालमियत और दयानतदारी, सेल्फ वर्थ, खुद एतमादी और अपने आप को वैल्यू करना, अपने आप को कीमत देना, सेल्फ डिसिप्लिन, नज्म और रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी पैदा करें, क्योंकि आप दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं तो आपको भी वही चीज मिलती है। और सच, अपने साथ भी सच बोलें, दूसरों के साथ भी। और कभी भी अल्लाह ताला ने हर एक को नेमतों से नवाजा, कभी भी अपने आप को कमतर ना समझें, हमेशा खुद एतमाद रहें और नज्म ज़ब्त अपने अंदर पैदा करें। हमेशा दूसरों की जिंदगी में कुछ अच्छा शामिल करो तो तुम्हारी जिंदगी भी अच्छी हो जाएगी। द मोर वी पुट हेल्पिंग अदर फर्स्ट एंड फोकस ऑन एडिंग वैल्यू टू अदर पीपल्स life, the more abundance flows our way. It is a win-win all the way around. सबकी जीत का सोचो। और अपना करेक्टर अच्छा करना चाहते हो तो अल्लाह ने सूरह अहज़ाब में बताया, यकीनन तुम्हारे लिए रसूल अल्लाह की ज़ात में बेहतरीन नमूना हर उस शख्स के लिए जो उम्मीदवार हो अल्लाह का और योम आखरत का और जिक्र करता रहता हो अल्लाह का बहुत ज़्यादा। तो अल्लाह के नबी हमारे लिए किताब और सुन्नत छोड़ के गए हैं, अल्लाह की किताब, और अगर हम इन पे अमल करेंगे तो हम कभी भी गुमराह नहीं होंगे। तो प्यारे बच्चों, सीरत पढ़ो, देखो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी कैसे गुजारी, और अल्लाह से जुड़ जाओ। अल्लाह की किताब को उस ज़बान में पढ़ो जिससे समझ आती हो, कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ें ताकि पता चले अल्लाह हमें क्या कह रहा है। अल्लाह का कहना है कि मैंने बेशक कुरान को आसान किया है। अब हम कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं मैथ्स की ताकि आपको एडिशन अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो एक ये एग्जाम्पल है, 61 प्लस 13, नंबर लाइन भी नीचे है। आप इस यहाँ पे वीडियो को स्टॉप करें, कॉपी पेंसिल लेके इसको खुद से हल करें, और फिर इसका देखते हैं कि हम जवाब बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले तो ये है कि हमने राइट साइड से वंस को ऐड करना है, तो वन थ्री में वन करेंगे तो फोर आ जाएगा, और इसी तरह टेंथ में सिक्स में प्लस वन किया तो नंबर लाइन पे सेवन के ऊपर जाके रुक गया। तो 61 प्लस 13 इज इक्वल टू 74। उम्मीद है आपने भी बिल्कुल ऐसे ही किया होगा। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 83 प्लस 15, ठीक है। इसको हमने टेंस और वंस में अरेंज किया, नीचे आपकी आसानी के लिए नंबर लाइन भी दी हुई है। यहाँ पे वीडियो को स्टॉप करें, कॉपी पेंसिल लेकर इसको खुद से सॉल्व करें, और फिर देखते हैं इसका जवाब। सबसे पहले हमने राइट साइड से शुरू किया, हमने 5 के अंदर 3 ऐड किए तो नंबर लाइन हमें 8 बता रही है। उसके बाद हमने 8 में 1 ऐड किया तो 9 हो गया। तो ये हमारे पास आ गया इसका जवाब, 83 प्लस 15 इज इक्वल टू 98, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है
आप एडिशन के साथ साथ अपने करेक्टर में भी एडिशन करेंगे और अल्लाह के नबी का जैसा करेक्टर था वैसा बनने की कोशिश करेंगे और कुरान पढ़ेंगे।